Hello students, till now we have discussed about kinetic friction. ठीक है, kinetic friction में हमने sliding friction के बारे में पढ़ लिया. Now अब हम बात करेंगे किसकी, rolling friction की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे, rolling friction की. ठीक है, तो ये जो friction होता है ये it is very very small. जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है. जैसे कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर आपको उसको मूव करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस करना है या फिर मूव करना है, तो अगर आप स्लाइड करके मूव करेंगे तो ज्यादा एफर्ट लगेगा. बट अगर उसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं या फिर कुछ रोलिंग वाला आपने अरेंजमेंट कर दिया है तो आराम से आपका मूव कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जो घरों में हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं उसमें क्या लगा हुआ होता है, नीचे व्हील्स होती हैं, तो मूवमेंट क्या होता है, इजी होता है. बट सेकंड केस, वही अलमीरा जो होती हैं उनमें व्हील नहीं होता है, तो उसको मूव करना क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. क्यों? क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो हमारा बहुत ज्यादा स्मॉल होता है. अच्छा, जो रोलिंग फ्रिक्शन है, सपोज रोलिंग फ्रिक्शन को एफ सफिक्स में आर ले लिया, हाँ एफ सफिक्स में आर, ये क्या होता है, म्यू आर इंटू आर बाय स्मॉल आर, या फिर हम लिखते हैं एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एन बाय आर. ठीक है, एन हमें पता है क्या है, एन हमें पता है क्या, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, या फिर कहेंगे कैपिटल आर को भी हम क्या बोलते हैं, वही नॉर्मल रिएक्शन. और स्मॉल आर क्या है, रेडियस. स्मॉल आर क्या है, रेडियस. ठीक है, तो रेडियस जितना छोटा होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा. मतलब जैसे कि ये अगर ये मूव कर रहा है, इसके केस में, इसके केस में फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा, और इसके केस में फ्रिक्शन क्या होगा, कम. क्योंकि यहाँ पे आर और ये वाला आर, तो ये वाला आर छोटा है और ये वाला आर बड़ा है. ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपका ऑब्जेक्ट जैसे कि व्हील हो गया या स्फीयर हो गया या सिलेंडर हो गया, वो किसी सरफेस पे रोल करता है, क्या करता है, किसी भी सरफेस पे रोल. जैसे कि आपकी कोई व्हील रोल कर रही है या सिलेंडर रोल कर रहा है किसी सरफेस के ऊपर, तो वहां पे जो फ्रिक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन. बाकी फ्रिक्शन की जगह यहाँ पे भी म्यू आर है. जैसे स्टैटिक में क्या होता था, म्यू एस, काइनेटिक में क्या होता था, म्यू के, इसमें क्या है, म्यू आर. म्यू आर क्या हो गया हमारा, कोफिशियंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. क्या हो गया हमारा, कोफिशियंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, म्यू आर. और एन वही जैसे पहले था हमारा, क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया. और स्मॉल आर जो है यहाँ पे, ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया है जो कि क्या है, रेडियस ऑफ व्हील या फिर सिलेंडर या जो भी चीज रोल कर रही है, जो भी चीज रोल कर रही है वो आपका क्या हो गया, उसका ये रेडियस हो गया. ठीक है, तो बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है. एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है. रोलिंग इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है. इसीलिए जो भी हैवी लोड्स होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, उनको हम रोल करने के थ्रू, रोल करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन में एक और चीज होती है, एक खास बात और है रोलिंग फ्रिक्शन में, यहाँ पे जो बॉडी इन कॉन्टेक्ट है वो रब नहीं करती और वो चेंज होती रहती है. मतलब कि कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर हम स्लाइड कर रहे हैं कोई भी चीज, यहाँ पे देखिए, सपोज ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्लाइड हो गया. ओके, अब ये वाला पार्ट कॉन्टेक्ट में है. ठीक है, तो आप जब आप स्लाइड करेंगे तो हर जगह यही कॉन्टेक्ट में रहेगा, है ना. ये सरफेस क्या, आप यहाँ से सपोज इसको शिफ्ट करके यहाँ तक ले आए, है ना, अभी भी यही कॉन्टेक्ट में है, तो ये रब कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, रोलिंग के केस में क्या होता है, सपोज ये पॉइंट है, ये और बी, ठीक है, इसको ए बी सी और डी मान लीजिए. सपोज ये व्हील है, किसी साइकिल का व्हील. ठीक है, तो जब ये रोल करेगा
ऐसे रोल किया, तो अगले राउंड में क्या हो जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, हाँ सी डी है, ओके डी एंड ए, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे जब आप, ओके और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ए सी ऊपर चला जाएगा, ओके ये हो जाएगा सी, ठीक है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा डी, ठीक है। इसी तरीके से अब आप देखिए यहाँ पे ये सरफेस ए था, यहाँ पे भी ये ए ही है, ए ही है हमेशा कॉन्टेक्ट में। यहाँ पे देखिए पहले सी कॉन्टेक्ट में था, जब ये रोल किया ऐसे करके तो कॉन्टेक्ट में कौन आ गया, बी आ गया, फिर आपने और रोल हुआ ये तो कॉन्टेक्ट में कौन आ गया, ए आ गया, और रोल होगा तो कॉन्टेक्ट में कौन आ जाएगा, डी। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो रोलिंग इन रोलिंग फ्रिक्शन सरफेस एट कॉन्टेक्ट डू नॉट रब ईच अदर, क्या नहीं करते वो रब नहीं करते हैं, वो पोजीशन जो है चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस जो है वो हर पॉइंट पे क्या होता रहता है रोलिंग फ्रिक्शन में, चेंज होता रहता है हर पॉइंट पे। जैसे ये रोल कर रहा है ना तो कॉन्टेक्ट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, अभी ये फिर ये ऐसे ऐसे करके हर पॉइंट पे जो कॉन्टेक्ट है सरफेस के साथ वो क्या होता रहेगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट हर मूवमेंट पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी देखिए बेसिकली आपकी जो ये व्हील है कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है व्हील, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, वी है, मान लो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, वी है, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, जीरो। जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर टाइम पे जीरो होती है, हमेशा याद रखना। जो कॉन्टेक्ट सरफेस है रोलिंग फ्रिक्शन में या फिर रोलिंग मोशन में, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर टाइम पे जीरो होती है जब वो कॉन्टेक्ट में होता है, बाकियों की नहीं है। इसकी वेलोसिटी इस टाइम पे क्या है, जीरो, क्या है इसकी वेलोसिटी, जीरो जब ये कॉन्टेक्ट में है। अब ये जीरो कैसे है, ये नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर एक आएगा रोटेशन रोलिंग मोशन, उसमें हम रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम ये देखेंगे प्रॉपर क्या आपका रोलिंग मोशन होता है। अभी तो बस हम इतना ही देख लेते हैं, ये हमारा क्या है बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, और हैवी बॉडी वगैरह को मूव करने के लिए रोलिंग फ्रिक्शन ही हम रोलिंग व्हील्स वगैरह इन्हीं रोलिंग व्हील्स वगैरह का हम यूज करते हैं, जिसमें कि फ्रिक्शन क्या लगे, कम लगे, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन में जो बॉडी कॉन्टेक्ट में है वो एक दूसरे को रब नहीं करती, और जो बॉडी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक ग्राफ देख लेते हैं, ये आपका क्या है, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, अप्लाइड फोर्स, क्या है ये, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और ये हमारा क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन हमने कौन से एक्सिस पे ले लिया, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अप्लाइड फोर्स हमने कौन से एक्सिस पे ले लिया, वाई, ठीक है। अप्लाइड फोर्स हमने कौन से, या फिर एक काम करिए फ्रिक्शन इस पे ले लिया तो ईजी रहेगा, इस पे क्या ले लीजिए, वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन ले लिया और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, अप्लाइड फोर्स ले लिया, एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, अप्लाइड फोर्स ले लिया। अब देखिए जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक सपोज क्या, अप्लाइड फोर्स के साथ फ्रिक्शन बढ़ता रहा, ठीक है। तो अब जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है फ्रिक्शन बढ़ रहा है साथ में, जैसे अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन का है तो फ्रिक्शन भी 5 है, अप्लाइड फोर्स 10 किया फ्रिक्शन भी 10 हुआ, अप्लाइड फोर्स 20 किया फ्रिक्शन भी 20 हुआ। तो मतलब ये कौन सा फ्रिक्शन हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन हुआ, ये कौन सा फ्रिक्शन हुआ, ये पॉइंट मान लो O और ये पॉइंट मान लो A, तो ये OA जो OA है ये क्या है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ तक लीनियर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से ये थोड़ा सा राइज करेगा ऐसे करके, ये राइज किया ऐसे आया और फिर ये,
ये ऐसे करके आपका ग्राफ आ गया, ऐसे करके हमारा ग्राफ आ गया, ठीक है। अच्छा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे, ये जो है आपका, ये क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जब ये कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए बेसिकली हुआ क्या, जब आप फोर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपका फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ा रहे, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है फोर्स के साथ साथ, ठीक है, बढ़ता गया। अब इस पॉइंट पे इससे ज्यादा ये वाला फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता, ठीक है। अब अगर आपने फर्दर फोर्स बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि ये कहां पे पहुंच गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच गया। अगर आपने फर्दर फोर्स बढ़ाया, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है, अब अगर आप फर्दर फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बॉडी मूव करना शुरू होगी, तो फ्रिक्शन एकदम से कम हो जाएगा और अब फ्रिक्शन आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, जो कि क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के इनटू एन, ओके, म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एक पर्टिकुलर बॉडी और सरफेस के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होता है अप्लाइड फोर्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम क्या देखेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या देखेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए इसमें ना दो चीजें हम देखेंगे, एक तो हम देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक हम देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और हम क्या देखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें देखेंगे, ओके। तो बेसिकली जब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, ये क्या होता है, आपका सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे क्या एक ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये हमारे क्या एक ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे को क्या लग रहा है mg और ऊपर को क्या लग रहा है, ठीक है। अब आप अगर ऐसे करके एक फोर्स लगा रहे हैं, हाँ, तो इधर तो ऐसे करके एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f, फ्रिक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यह बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब बढ़ा कैसे, जब आप फोर्स बढ़ा रहे हैं तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब ये क्या हो गया, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, एफ एस मैक्सिमम, ठीक है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, है ना, तो क्या ये याद रखना, क्या एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ एन एंड एफ एस मैक्स, ठीक है, इन दोनों के रिजल्टेंट n n is called angle of friction, इसे हम क्या बोलते हैं, angle of friction बोलते हैं, ठीक है। अभी I guess आप लोग को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। देखो क्या है कि maximum static, देखिए जैसे एक force ऐसे लग रहा है, हमने vector में पढ़ा F1, एक force ऐसे लग रहा है F2, इन दोनों का रिजल्टेंट आया ये, ठीक, इन दोनों का एफ क्या है, रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट और इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है हमारा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी आप इसको फ्रिक्शन मत समझो, एक फोर्स आया आपका ये और एक फोर्स आपका ऐसे लग गया, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट से ऐसे आया ये आया, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एफ,
ठीक है। तो ये जो एंगल है आप थीटा, एस और एन के बीच का जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मे बी डिफाइंड एज एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग एंड नॉर्मल मेक्स विद नॉर्मल। क्या, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल मेक्स विद नॉर्मल, इन दोनों का रिजल्टेंट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए tan थीटा क्या होता है आपका, देखिए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से देखिए tan थीटा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम अपॉन में n, ये हमारा हो गया tan थीटा। अच्छा, आप एफ एस मैक्सिमम की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन अपॉन में एन, है ना, क्योंकि एफ एस मैक्सिमम क्या होता है, म्यू एस इन टू एन होता है, तो एन से एन कट गया। इसका मतलब क्या है आपका, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, तो थीटा क्या हो गया हमारा tan इनवर्स म्यू एस, थीटा क्या हो गया tan इनवर्स म्यू एस हो गया। तो आपका क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा क्या है, म्यू एस है, क्या है, म्यू एस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, जो आपका यहाँ से tan थीटा क्या हो गया, म्यू हो गया, म्यू एस हो गया, इसका मतलब एफ एस मैक्स अपॉन में एन किसके बराबर होता है, म्यू एस के बराबर होता है। फिर से देख लीजिए, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है उसका जो नॉर्मल के साथ एंगल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक, तो अब सपोज देखिए ये है थीटा, इस पे गिर रहा है तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो fs max अपॉन में n, fs max की जगह μs into n लिख दिया, अपॉन में n है ही, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा μs हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स μs। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, अब अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स एस क्या होता है, जब दो वेक्टर 90 डिग्री हैं तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस म्यू एस इंटू म्यू एस स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस म्यू एस इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आप एन स्क्वायर बाहर ले लेंगे कॉमन, तो एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाहर एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस म्यू एस स्क्वायर। अब एन इज इक्वल टू एम जी पुट करना चाहिए, तो पुट कर दीजिए, तो एन इज इक्वल टू एम एस इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस म्यू एस स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल का। अब यहीं पे देखिए, अगर सरफेस आपकी फ्रिक्शनलेस है, अगर आपकी सरफेस कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो आपका म्यू एस क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए म्यू एस हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो म्यू एस अगर जीरो हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू एम जी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन, स्क्वायर रूट ऑफ वन क्या होता है, वन ही होता है, तो एस इज इक्वल टू एम जी।
तब रिजल्टेंट आपका mg के बराबर हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, या फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में आपका tan थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन जीरो है, अगर फ्रिक्शन जीरो है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, इन दोनों के रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्स अपॉन में tan, ओके, यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो हमें क्या पता चली, s की जो वैल्यू है मिनिमम इतनी हो सकती है, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू यहां से यहां के बीच में वैरी करेगी, ये याद रखना। मिनिमम mg मतलब कि अगर हम लिखें इसको इक्वेशन के हिसाब से तो कैसे लिखेंगे आप, mg से लेस देन इक्वल टू s होगा, और ये आपका mg रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, ओके, ये हमारा s होगा, mg से बड़ा होगा और mg इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे आपको आता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या आता है, एंगल ऑफ रिपोज, ये भी सेम है, बस ये इंक्लाइन में आता है। किसमें आता है, इंक्लिनेशन का एंगल होता है। किसका एंगल होता है, इंक्लिनेशन का एंगल। क्या होता है, सपोज अभी बता रहा हूं मैं, अब सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट करके रखा हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा होगा, अभी हॉरिजॉन्टल है, अभी तो ये मूव नहीं कर रहा है, ओके। अब इसको मैं इंक्लाइन पे लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, ये इंक्लाइन एंगल बढ़ रहा है। अब इस जिस पर्टिकुलर एंगल पे, सपोज इस एंगल पे आते ही ये मूव करने लगा, ठीक है, तो जिस एंगल पे मिनिमम एंगल जिस पे जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा वो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा। देखिए दोबारा रिपोज, पोज को चेंज कर रहा है, पोज को चेंज कर रहा है, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, ये हमने एंगल और बढ़ाया, एंगल बढ़ा दो भाई थोड़ा सा और बढ़ाया, अभी भी नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, अब हमने एंगल और बढ़ाया। सपोज इस एंगल पे इसने जस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, तो ये जो एंगल है, जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना शुरू करने वाला है, थोड़ा सा इससे बढ़ाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। जैसे यहाँ पे था एंगल मूव नहीं किया, हमने थोड़ा सा बढ़ाया, अभी भी मूव नहीं किया, थोड़ा सा और बढ़ाया, तो ये हल्का सा मूव कर जाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या मिनिमम एंगल ऑफ द इंक्लाइन एट विच बॉडी जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, जिसपे बॉडी जस्ट क्या करना शुरू कर दे, स्लाइड करना शुरू कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, सपोज ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये रखा हुआ है, ठीक है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एंगल इंक्लिनेशन बढ़ा रहा हूँ, अभी भी नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा है, अभी भी देखिए नहीं कर रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, ये इस पे ये हल्का सा क्या करना शुरू हो गया, मूव, ठीक है, ये तो पूरा ही मूव कर रहा है, थोड़ा सा पीछे आइए, ये यहाँ पे बस इस एंगल से ये मूव करने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक मार्क कर लूं, यहाँ पे अगर मैं मार्क कर लूं ये, ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल है अल्फा मान लो इसको, यही हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, ठीक है। तो मिनिमम इंक्लिनेशन जिस पे ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे,
जस्ट मूव करना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे, वो हमारा क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिपोज हो जाता है। ठीक है, अब इसकी वो देख लेते हैं इक्वेशन। ये हमारा, ठीक है, ये एंगल क्या है, अल्फा। ओके, ये हमारा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इस पे जो फोर्स है वो नीचे को तो आपको पता है, ये नीचे को ऐसे लग रहा है, ये कितना है आपका एमजी, ये कितना है एमजी। ओके, तो ये एंगल अल्फा तो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये वाला भी एंगल अल्फा होगा, तो ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये भी अल्फा होगा, ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस अल्फा। ठीक, ये ऐसे लगेगा, ये क्या रहेगा हमारा, एम जी साइन अल्फा, और ये ऊपर को क्या लगेगा, नॉर्म, ऊपर को क्या लगेगा, नॉर्म, ऊपर को क्या लगेगा हमारा। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए इधर को क्या लगेगा, फ्रिक्शन, ये हमारा एफ। ठीक है, तो पहले इक्विलिब्रियम के लिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम जी साइन अल्फा, और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस अल्फा। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा और एन इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम जी कॉस अल्फा। ठीक है, ओके, अब आप यहां से देखिए कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एफ बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कॉस अल्फा। एम जी से एम जी कट गया, एफ की जगह क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इन टू एन अपॉन में एन इज इक्वल टू क्या, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा। एन से एन कट गया, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका मतलब टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स म्यू एस। ठीक है, अगर ये रुका हुआ है, ठीक है, जस्ट अबाउट टू मूव में अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस आ जाएगा। सेम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की तरह है ना, तो इसका मतलब अल्फा और थीटा दोनों बराबर होते हैं, अल्फा और थीटा दोनों बराबर होते हैं। थीटा क्या था हमारा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिपोज, मिनिमम एंगल। जैसे यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, इस एंगल के थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, मूव कर जाएगा, तो मिनिमम एंगल जहाँ पे बॉडी रेस्ट पे रहती है या फिर जस्ट अबाउट टू मूव होने वाली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। अब ये देखिए, ये पॉइंट था, ये एम जी नीचे गया, तो एम जी के दो कंपोनेंट, एम जी कॉस अल्फा, एम जी साइन अल्फा, ये एन है। अब ये अगर इधर को मूव करेगा तो फ्रिक्शन उधर को लगेगा, ठीक है, जस्ट अबाउट टू मूव में फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब एफ बाई एन, क्या, एफ बाई एन डिवाइड कर दिया, एम जी एम जी कट गया, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, साइन बाई कॉस टेन, और एफ क्या की जगह म्यू एस इन टू एन, एन से एन कैंसिल आउट, तो टेन अल्फा म्यू एस, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा के, क्योंकि टेन इनवर्स म्यू एस हमारा थीटा के भी बराबर होता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज आपके क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन, पहले हमने एक्सेलरेशन देखा था ब्लॉक पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे देखा था, अब हम फ्रिक्शन होते हुए ब्लॉक के ऊपर क्या एक्सेलरेशन लगेगा, ये हम देख लेते हैं। इसमें हमारी टू कंडीशन आएंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक इंक्लाइन, एक बार आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा और एक बार हमारी सरफेस कैसी होगी, इंक्लाइन होगी। ठीक है, तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन, टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा,
एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, किसका हम निकाल रहे हैं, ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन, पहले किस पे, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, किस पे, पहला किस पे है, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, अच्छा, अब देखिए जब हम हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करेंगे, ये आपका ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, बीजे को क्या लग रहा है, एम जी, क्योंकि ब्लॉक का मास क्या है, ऊपर को क्या लग रहा है, नॉर्मल, नीचे को क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर को क्या लग रहा है, नॉर्मल, ठीक है। अब सपोज आप इसको इधर को खींच रहे हैं, फोर्स आप इधर को लगा रहे हैं, इधर को फोर्स लग रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर को लग रहा है, नेट एक्सेलरेशन किधर पे है, इधर, नेट एक्सेलरेशन किधर पे है, इधर, ठीक है। तो अब पहली चीज n इज इक्वल टू एम जी होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी होगा। अब हमें पता है नेट फोर्स उधर को लग रहा है, तो इसका मतलब F नेट क्या हो जाएगा, F माइनस F के, F नेट क्या हो जाएगा, इसका मास m इंटू ए, एम इंटू ए इज इक्वल टू F माइनस F के की जगह क्या आ जाएगा, म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, क्योंकि एफ के क्या होगा, म्यू के इंटू एन, म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एम ए क्या हो जाएगा, एफ माइनस म्यू के इंटू एम जी, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम उधर अपॉन में चला जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ माइनस म्यू के इंटू एम जी डिवाइड बाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के केस में जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं तो फोर्स लगा के, तो उसका एक्सेलरेशन ये होगा, एफ माइनस यू के एम जी अपॉन में एम, ठीक है। फिर से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ है भी नहीं, आपने फोर्स ऐसे लगा रखा है, ठीक है, फ्रिक्शन इधर को लगेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ के, एफ माइनस एफ के, तो एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के की जगह क्या आ जाएगा, म्यू के इंटू एन, और एन इज इक्वल टू क्या है, एम जी, एन की जगह क्या आ गया, एम जी, तो एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू के इंटू एम जी, अब ये एम अपॉन में आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू के एम जी अपॉन में एम, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, किस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड केस, इसी में एक चीज देख लीजिए, अगर म्यू के जीरो है, फ्रिक्शन लेस के केस में म्यू के क्या हो जाएगा, जीरो, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बाई एम, क्योंकि ये म्यू के जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बाई एम, तो ये वही वाला एक्सप्रेशन हो गया जो हम लोग पहले कर चुके हैं, इसके केस में, फ्रिक्शन लेस के केस में, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, अब ये है आपका, अभी आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये नीचे को मान लो स्लाइड करेगा, ठीक है, ये है एम जी, ये क्या हो जाएगा आपका, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका, एम जी साइन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और फ्रिक्शन किधर को लेगा, एफ के किधर को लेगा, फ्रिक्शन किधर लेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेट किधर को कर रहा है, नीचे को, ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे एक्सेलरेशन, ठीक है, इधर को एक्सेलरेशन हो रहा है, स्लाइड कर रहा है ना, रफ सरफेस है, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना दूं, जिसमें कि क्लियर रहे आपको एकदम, इसमें हो सकता है आपको अच्छे से ना दिखें, क्या है, ये है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया,
ठीक है, इस पे मास m है, तो m g नीचे को लेगा, ये एंगल थीटा है, ये आपका क्या हो जाएगा एम जी cos थीटा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्योंकि ये एंगल थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा, ऊपर को क्या लगेगा हमारा नॉर्मल लगेगा। अब ये इधर को स्लाइड कर रहा है, मतलब कि नेट एक्सेलरेशन ऐसे, तो फ्रिक्शन किधर को लगेगा उधर को, दैट इज एफ के, फ्रिक्शन किधर को लगेगा उधर को, दैट इज एफ के, क्योंकि मूव कर रहा है तो हमारा कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो पहले देखिए सिंपल, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो ये लिख लीजिए नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, पहली चीज नॉर्मल या फिर नॉर्मल रिएक्शन। अब नेट फोर्स इधर को लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होता है एम इंटू ए, इसका मतलब एम इंटू ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, क्या एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ये चीज में, तो मैं फिर से बता दूं, सपोज ये फोर्स क्या है एफ वन, ये फोर्स क्या है एफ टू, और नेट एक्सेलरेशन इधर को है ए, तो एम इंटू ए क्या होगा एफ टू माइनस एफ वन, क्योंकि इधर को एक्सेलरेट कर रहा है और जो अपोजिट है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हुआ है, नेट एक्सेलरेशन m इंटू ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एफ के की वैल्यू क्या होती है, एफ के इज इक्वल टू क्या होता है म्यू के इंटू एन, ठीक है, और n आपका क्या है यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, तो इसका मतलब एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, एफ के क्या हो जाएगा म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये एफ के की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के की जगह क्या आ जाएगा म्यू के एम जी कॉस थीटा, ओके। अब देखिए एम जी और एम जी आप कॉमन ले सकते हैं, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, तो एम से एम कैंसिल आउट, तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया इंक्लाइन प्लेन पे जब आपका ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, जब आपका ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। फिर से देख लीजिए ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है ऐसे, तो ये एम जी था एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इधर को लगेगा तो स्लाइड नीचे की तरफ कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर की तरफ एफ के, ठीक है, ये फ्रिक्शन लगा आपको, और ये नॉर्मल और ये एम जी, तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और नेट फोर्स एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, ठीक। अब एफ के इज इक्वल टू क्या होता है म्यू के इंटू एन, और एन क्या है एम जी कॉस थीटा, तो एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, ओके। अब ये एफ के की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए आप, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा, ओके, क्योंकि एफ के की वैल्यू पुट कर दी, ओके। अच्छा आप यहाँ पे एम जी और एम जी कॉमन ले लिया, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस के केस में म्यू के क्या हो जाएगा जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जो कि हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, ए इज इक्वल क्या हो जाएगा जी साइन थीटा, जो कि हम पहले ड्राइव कर चुके हैं फ्रिक्शन लेस वाले, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। इसी में एक सिनेरियो और है, अगर ये नीचे की तरफ ना स्लाइड करके ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा होता, जैसे कि हमने नीचे से ना ब्लॉक को ऐसे करके धक्का दे दिया, ऐसे करके एक बार धक्का देके छोड़ दिया,
तो ब्लॉक ऊपर जाएगा 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 फिर थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन पीछे को लग रहा है या फिर हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन लग रहा है। ओके, तो अब जब ब्लॉक उधर को जा रहा है ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो फ्रिक्शन भी किधर को लगेगा, इधर को लगेगा, मतलब कि एफ के भी किधर को लगेगा, पीछे को इधर लगेगा, क्योंकि आपका ब्लॉक किधर जा रहा है, अगर ब्लॉक आगे जा रहा है तो आपका जो फ्रिक्शन है ये तो था ही, और फ्रिक्शन भी किधर को लगेगा, पीछे को लगेगा, एफ के भी आपका किधर को लगेगा, पीछे की ही तरफ लगेगा, एफ के भी किधर की तरफ लगेगा, पीछे के ही तरफ आपका एफ के लगेगा। क्यों पीछे की तरफ लगेगा फिर से देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर मोशन उधर है तो फ्रिक्शन इधर होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में देखिए n इज इक्वल टू मोशन उधर पर, मतलब कि अगर उधर है तो a अब आपका नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्यों रिटार्डेशन हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट आगे को जा रहा है, धीरे धीरे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे a, अब आप देख लीजिए m is equal to mg तो ठीक है, और a m a is equal to क्या हो जाएगा, m a is equal to क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि रिटार्डेशन है, माइनस का mg sin theta plus fk, क्या mg sin theta plus fk। ओके, तो इसका मतलब m a is equal to माइनस का mg sin theta, एफ के की जगह क्या आ जाएगा भाई, म्यू के एम जी कॉस थीटा, सेम फिर से भाई एम जी कॉमन ले लेंगे आप, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस का एम जी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, एम से एम कट गया, तो ए इज इक्वल टू माइनस का जी अंदर साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड पीछे की तरफ होगा, और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है या फिर रिटार्डेशन बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, अगर हम रिटार्डेशन कहते हैं तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। देखिए जब ऊपर को जा रहा था, जब ऊपर को सॉरी जब ये नीचे को स्लाइड कर रहा था पिछले केस में, तो यहाँ पे साइन कैसा था, माइनस का, ठीक है, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, जब ये ऊपर को स्लाइड कर रहा है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ठीक है, तो रिटार्डेशन जब ये ऊपर को स्लाइड कर रहा है तो रिटार्डेशन ऐसे लगेगा, और जब ये नीचे को स्लाइड कर रहा है तो वो आपका उधर, ठीक है, तो ये हमारी दो कंडीशन आ जाएंगी। ओके, अच्छा जब ये नीचे को स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन उधर, जब ये ऊपर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन नीचे। ओके, अच्छा तो ये रिटार्डेशन क्या हो गया, जी साइन थीटा प्लस यू के कॉस थीटा। यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू फिर से क्या बचेगा, जी साइन थीटा, ठीक है, या फिर रिटार्डेशन आपका क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। ओके, तो ये हमारे कुछ फ्रिक्शन को लेके हो गया, एक्सेलरेशन वगैरह, रोलिंग फ्रिक्शन भी हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स, इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।